Attention, please. Let's listen to announcement. चलो घोषणा सुने. जनरल चर्च सर्विस एवरी संडे एट 10 AM. रविवार चर्च सेवा में स्तुति, आराधना और वचन प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से शुरू होता है. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. लेट्स लर्न टुगेदर बाइबल स्टडी एवरी वेंसडे एट 5:30 PM. यह सभी के लिए एक शानदार और अद्भुत अवसर है. आइए हम सब मिलकर सीखें. बाइबल स्टडी हर बुधवार शाम 5:30 बजे आयोजित किया जाता है. House fellowship every Friday at 5:30 PM. घरेलू सेवा हर एक शुक्रवार 5:30 बजे. संडे स्कूल हर एक रविवार 10 बजे से अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजे और उन्हें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाने में सहयोग करे. युद्ध सेवा हर एक शनिवार 5:00 बजे से आयोजित किया जाता है. जवान बच्चों को भेजे और आने वाले पीढ़ी को नाश होने से बचाने में सहयोग करे. उपवास और प्रार्थना सेवा हर दूसरे शनिवार सुबह 10 बजे.
Praise the Lord. थोड़ा देर रुकेंगे ताकि लोग और भी ज्वाइन करें. ओके, मेरा साउंड क्लियर है? देखिए कोई चेक करके. साउंड क्लियर है? देर शेयर कर रहे. गुड इवनिंग सबको ना. प्रेज द लॉर्ड. साउंड ठीक है? क्लियर है? कोई ऑनलाइन से जो लोग मुझे देख रहे हैं बता दीजिए एक बार, साउंड क्लियर है क्या? ना मेरा साउंड क्लियर है? सुनने में अच्छा लग रहा है? बिना समय ओके प्लीज़ जितना भी ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है आप लोग इसको शेयर करिए, कर दीजिए, और जितना सकता है फेसबुक पेज के, हमारे फेसबुक पेज को जो लोग फॉलो नहीं करके रखा है फॉलो कर दीजिए प्लीज़. और यूट्यूब से देखने वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए. हम लोग पूरा जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा. और आज फिर से आज शाम को हम लोग कुछ अद्भुत बात है ना, सिंपल बात तो होगा लेकिन लोगों को शायद समझने में तकलीफ हो रहा है, ऐसा कुछ बात है जो हम लोग उसको सीखने के लिए कोशिश करेंगे. हम लोग अब आज का तारीख को अगर हम लोग देखेगा, आज का दिन को अगर हम लोग देखेगा, तो लोगों को ना परमेश्वर के प्रति प्यार कम हो गया है, और उनका प्रार्थना, उनका फास्टिंग, उनका परमेश्वर के प्रति लगाव, बाइबल पढ़ना तो बहुत दूर चला गया अभी.
सो बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर नज़दीक आने का साइंस लोग दिखाई दे रहे हैं ना, जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं, और क्रिश्चियंस लोग जो अच्छा हो रहा है और अच्छा होते जा रहा है, जो खराब हो रहा है एकदम खराब होते जा रहा है, और चर्च में क्रिश्चियंस लोग ढीला ढाला हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, और उनको परमेश्वर में मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों है, क्यों लोगों को परमेश्वर को परमेश्वर के प्रति मन नहीं लगता है, या फिर क्यों परमेश्वर का प्रॉमिसेस है ना, प्रभु का वादा उनके जीवन में पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना प्रार्थना का रिजल्ट नहीं देखा, अपने माँ बाप का प्रार्थना में रिजल्ट नहीं देखा है ना। बहुत सदियों से क्रिश्चियनिटी को निभाते आ रहा है, प्रभु के सामने जाता है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, तो उनके जीवन में उन लोग रिजल्ट को नहीं देखता है। तो ऐसे कर करके क्या हो गया, धीरे धीरे अभी का जनरेशन का प्यार जो प्रभु के प्रति ठंडा हो रहा है ना। और जिसके घर में प्रभु का चिन्ह और चमत्कार दिखता है, या उन लोग प्रभु में लौलीन है, प्रभु में अच्छा से आगे बढ़ रहा है, उनका परिवार, उनका बाल बच्चा लोग प्रभु का सेवा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जहाँ परमेश्वर का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जहाँ पे परमेश्वर का एक्सपीरियंस नहीं होगा, या परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा नहीं होगा, वहाँ पे लोग है ना ठंडा पड़ जाएगा, वहाँ पे लोग ठंडा पड़ जाता है। सो अभी का जनरेशन का कसूर ये नहीं है कि उन लोग प्रार्थना नहीं करता है, अभी का जनरेशन का कसूर ये नहीं है कि उन लोग चर्च नहीं जाता है ना, और प्रार्थना नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है। कसूर जो किसका है बोलने से, पहले वाला जनरेशन का है, जो उन लोगों ने तो अपना क्रिश्चियनिटी को निभाया, एक धर्म को पालन करता है, जैसे पालन किया है, लेकिन परमेश्वर को एक्सपीरियंस नहीं करने के कारण, क्रिश्चियनिटी को एक धर्म बना के रखने के कारण, कुछ धार्मिकता, ये क्रिसमस में जाना, गुड फ्राइडे में जाना, और ना उसके बाद में कुछ कुछ नीति नियम है, नियम विधियों को मानना, तो ये सब एक क्या हो गया, चलन बन के रह गया, एक फेस्टिवल बन के रह गया, एक क्रिश्चियनिटी का एक फेस्टिवल बन करके रह गया। तो अभी का जनरेशन के माइंड में क्रिश्चियनिटी और कुछ नहीं, एक धर्म है, जस्ट उसको निभाना है। हम एक क्रिश्चियन है, मेरा नाम पर पीटर है, जॉन है ना, नाम रख दिया, जाना है चर्च में साल में एक बार। तो लोगों का ना धारणा, सोच विचार ऐसा है, जबकि 100% ये गलत सोच है, ये गलत विचार है, गलत धारणा है। हमको भी ऐसा लगता था क्रिश्चियनिटी एक धर्म है बोल के, लेकिन जब हम लोग बाइबल को देखता है, जब बाइबल को पढ़ता है, ये एक जीवन शैली है प्रभु के साथ में ना, ये एक रास्ता है। बाइबल खुद बोला है कि यीशु जीवन है, रास्ता है, और यीशु क्या बोलता है, वो सत्य है, यीशु सत्य है, मार्ग है, मतलब रास्ता है और जिंदगी है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में लगभग 2000 साल पहले कभी भी एक धर्म को स्थापना करने के लिए नहीं आया, एक नया धर्म यहाँ में पृथ्वी में, ऐसे धर्म का कोई कमी था जो और एक तो बनाने के लिए आया, नहीं। यीशु मसीह सब मनुष्य जाति का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी में आने का उसका मकसद हमको परमेश्वर के साथ मिलाना है। और इस पृथ्वी में जब तक हम जीवित हैं, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन जो है, कैसे जीना है ना, कैसे हम लोग जीते हैं, वो मायने रखता है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। परमेश्वर इस बातों को सिखाने के लिए और इस्टाब्लिश करने के लिए इस पृथ्वी में आया, मतलब परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए आया। सो आजकल का जनरेशन के अंदर से वो सब कुछ निकल के जा रहा है। आप अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो शेयर कीजिए ताकि नया जनरेशन को भी ये बात पता चले कि वो लोग क्यों कमज़ोर है ना, किस लिए कमज़ोर है। कारण यही है कि हमारा, अभी सपोज़ हम एक क्रिश्चियन हैं, हम अगर चर्च जाएगा, आएगा और चर्च में सीखा हुआ बात को हम घर में अप्लाई नहीं करेगा, और बाकी के लोग जैसा ज़िंदगी जी रहे वैसा अगर हम ज़िंदगी जिएगा, तो हम तो क्रिश्चियन अपना जीवन ख़त्म कर लेगा। लेकिन मेरा बेटा बेटी लोग क्या होगा, मेरा पिताजी का लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ है,
मैंने ये एक धर्म है, मैंने जाना है, रूटीन पालन करेगा, उसके बाद उन लोग क्या होगा मालूम है, कमजोर से भी और कमजोर क्रिश्चियन हो जाएगा। उन लोग कभी बाइबल पढ़ेगा नहीं, प्रार्थना करेगा नहीं, प्रभु को विश्वास करो बोलने वाला बात करेगा नहीं। सो परमेश्वर को भरोसा करना है बात बोलने वाला जो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का ना परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वास उड़ रहा है, और ये कोई नहीं कर रहा है, शैतान कर रहा है। और शैतान कभी भी फिजिकल रूप में माने प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं आता है, शैतान भी यंत्र तंत्र इस्तेमाल करता है, शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान ऐसे ऐसे बातों को लेके इस्तेमाल करके आज लोगों का विश्वास को ठंडा कर रहा है। शैतान लोगों के अंदर से विश्वास को चुराना चाहता है। विश्वास खत्म तो आपका परमेश्वर के साथ में रिलेशन खत्म है। जैसे शादी में विश्वास बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने एक दूसरे को विश्वास करना, एक दूसरे को भरोसा करना। जब पति पत्नी के बीच में दरार आ जाता है तो उन दोनों का विश्वास एक दूसरे से हट जाता है। जब विश्वास हट गया तो वो शादी और शादी नहीं टिकता है। उसी तरह से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बंधन है, जिस बंधन से हम बांधा हुआ है, परमेश्वर और मनुष्य के साथ में जो कनेक्शन है, वो केवल विश्वास का ही तार है, वो विश्वास का ही धागा है, और कुछ भी नहीं है, है ना? और कुछ भी नहीं है। तो शैतान क्या चाहता है कि तुम विश्वास से हट के सिर्फ एक नामदारी मतलब क्रिश्चियन बन के रह जाइए, धर्म को पालन करते रहिए। क्रिश्चियन धर्म पालन करने के लिए नहीं है। अगर आपको धर्म पालन करना है तो इस पृथ्वी में धर्मों का कोई कमी नहीं है, है बोले तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कमजोरी के कारण हमारा संतान लोग भी कमजोर होते जा रहे हैं। अगर हम बलवंत होगा, हम प्रार्थना करेगा, हम प्रभु के लिए जील दिखाएगा, प्रभु का काम करेगा, प्रभु में हम प्रभु का वचन को हमारे जीवन में हम लोग पूरा होता हुआ देखेगा, तो हमारा बाल बच्चा लोग भी जरूर जरूर मेरा माँ पिता जी लोग परमेश्वर को भरोसा करता था, उन लोग भी क्या होगा, एक दिन विश्वास करेगा और उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ अच्छा होगा। वो लोग भी प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेगा, चर्च आएगा, उन लोग अपना जीवन शैली को, अपना लाइफ स्टाइल को बदलेगा, उनका सोचने का तरीका बदलेगा, है ना? संडे स्कूल चर्च में बच्चा को भेजना, यूथ फेलोशिप में जाना, वुमेन फेलोशिप में जाना, चर्च जनरल चर्च में जाना, ये हमारा रूटीन नहीं है, ये है ना, रूटीन नहीं है ये हमारा। हम चर्च जाते हैं, संडे स्कूल बच्चों को भेजते हैं, क्या करने के लिए, ज्ञान कमाने के लिए। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट खजाना ज्ञान है, और जिसको ज्ञान मिला है उसी ने परमेश्वर को प्राप्त किया है, और जिसने ज्ञान नहीं पाया है उसने परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं किया। आमेन, आमेन। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्ञान प्राप्त करना है, जानना है। वो कैसे जानेगा, बाइबल पढ़ने से, बाइबल सुनने से, प्रार्थना करने से, चर्च जाने से, फास्टिंग में जाने से। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल है। हम अपने आप को चर्च में धकेलता है, हम अपने आप को फेलोशिप में जाने के लिए धकेलता है, हम अपने आप को प्रार्थना करने के लिए धकेलता है। तो अगर हम अपना आप को पुश नहीं करेगा, धक्का नहीं मारेगा, तो हम अधूरा रह जाएगा। मतलब देखो ना, ये संसार इतना ईजी बना रहा है, मतलब ना सोशल मीडिया के द्वारा, नाना प्रकार के द्वारा, मैंने संसार इतना कंफर्ट दे रहा है, इतना मतलब अच्छा चीज दे रहा है। मैं आपको आसान भाषा में एक बोलना चाहूँगा, दूध बेचने वाला घर घर जाके बेचता है, लेकिन दारू का अगर अड्डा है ना, आप कोई भी कोना में खोल के रख दीजिए, वहाँ आदमी खुद चल के जाता है। सो इसी से पता चल जाता है कि मनुष्य क्या विचार कर रहा है, कैसा चल रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि दुनिया किस तरफ जा रहा है। तो ये सब चीज का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ये सब चीज को जानने के लिए हम लोगों को खुद को प्रेशर देना होगा, हम लोगों को धक्का मारना होगा, क्या करने के लिए, फेलोशिप में, प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में जाने के लिए। आज लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब आज सुबह सुबह हम जब उठ के मेरे एक भाई को छोड़ने के लिए हम जा रहा था, तो रास्ता में देखा कि एक पैरालिसिस आदमी जो है, मैंने कभी शायद स्ट्रोक हुआ था होगा, उसका स्ट्रोक हुआ था होगा, देख रहा है कि वो मतलब हम लोग लगभग हम डेढ़ घंटा जैसे वहाँ पे रहा है, हम दोनों बात करके। एक बूढ़ा था, बूढ़ा मतलब ठीक ठाक ही था,
वो शायद कभी स्टॉक हुआ था होगा, तो वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। बीमार होने के बाद में सब ठीक होना चाहता है, अस्पताल में आखिरी सांस गिन रहा है लेकिन जीना चाहता है, स्टॉक हो गया, पांव हाथ पैरालिसिस हो गया, चल नहीं रहा है लेकिन चलना चाहता है। सो मेरा सिंपल फंडा ये है कि मतलब बीमार होने के बाद एक्सरसाइज शुरू क्यों करना है, मैंने पहले से अगर एक्सरसाइज शुरू करेगा तो वो बीमार स्टॉक वाला कुछ कुछ चीज बीमार, देखिए पाप से जाने अनजाने में कोई हम लोग महामारी के चपेट में आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसा होता है जो हम लोग खुद कमाते हैं, नाना प्रकार के चीज खा के पी के गंदा करके। अभी के समय में देखो लोगों के पास में इजी हो गया काम करने के लिए, बैठे बैठे काम करता है, चल फिर नहीं रहा है ना, एक्सरसाइज नहीं है, तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, पैरालिसिस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब चीज आजकल कॉमन हो गया, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर। सो ये चीज जो है ना नेचर ने नहीं दिया है, ये हमने कमाया है। ये थोड़ा आप अपना माइंड को प्रेशर करके सोच के देखिए तो कैसे बीमार होने के बाद में आप खाना को छोड़ रहे हैं, अल्सर गैस्ट्रिक हो गया, अल्सर हो गया तब आप बोलते हैं कि हम ये नहीं खाएगा, हम ये नहीं खाता, हम ये। शुगर होने के बाद में आप बोलते हैं कि हम ये नहीं खाएगा, हम ये नहीं खाएगा, हम ये नहीं खाएगा। शुगर नहीं होने से पहले ही मनुष्य लोग क्यों अटेंशन नहीं रहता, मतलब लंग्स खत्म हो जाने के बाद, लीवर खत्म हो जाने के बाद में सावधानी परख के क्या फायदा, आपने अपना आधा जिंदगी खत्म कर दिया। सो मैं सीधा सिंपल समझाना चाहता हूं कि आप आज तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, स्ट्रोक आने से पहले, पैरालिसिस आने से पहले, शुगर आने से पहले, प्रेशर आने से पहले क्या क्या चीज है इसको आप निरंतर में कर सकता है, आप इसको कंट्रोल कर सकता है। कैसे? अपना आपको ख्याल रख के, प्रेशर दे के, आपको आप देखिए आपका बाइबल में ना, बाइबल में ऐसा लिखा है तिमोथी की किताब में, परमेश्वर ने हमको डर और भय का आत्मा नहीं दिया बोला ना, डर का आत्मा नहीं दिया बोला, बल्कि क्या का आत्मा दिया बोला, सामर्थ का दिया बोला और सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया। सेल्फ कंट्रोल क्या है पता है? सपोज आपको ये खाने का मन है, आपका मुंह ने बोला कि वो उसने, आपने उसको देखा कुछ खा रहा है, आपका मन क्या खाना है, खा देता है, ला देता है, चला जाता है, सो जाता है, आपका ऊपर आपका निरंतर नियंत्रण नहीं है, मतलब कंट्रोल नहीं है। आपको क्या खाना चाहिए, आपको कैसे अपना आपको सावधानी पर रखना चाहिए, आपको अगर कंट्रोल नहीं है तो प्रार्थना करके मांगिए, परमेश्वर देगा आपको। बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य अगर परमेश्वर से मांगेगा तो अच्छा वस्तु क्यों नहीं देगा, देगा, परमेश्वर से अच्छा वस्तु मांगता ही तो नहीं है, आमेन, है ना, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर हम लोग स्वस्थ रहते समय, अच्छा रहते समय में खाना कंट्रोल करेगा, है ना, अपना आपको बिजी रखेगा और क्या बोलता है, एक्सरसाइज करते रहेगा और हर जगह हम लोग अटेंशन पर रखेगा, अपना सेल्फ कंट्रोल रखेगा, तो हम लोग खुद को आने वाला स्ट्रोक से, शुगर से, प्रेशर से बचा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, ये हमारा कंट्रोल में है, प्रेज द लॉर्ड। वन जिंदगी डॉन फिगर बोल के हम होटल में लोगों को खाता हुआ देखा है, अरे पीता हुआ देखा है, ऐसा क्यों पीते हैं? पीने से आपका लीवर खराब हो जाएगा बोलने से उल्टा उन लोग बोलते हैं, आप पीते हैं? नहीं पीते, आपका लीवर ठीक है, ऐसा बोलते हैं। सो ये ज्ञान नहीं है मेरे प्रियो। अगर आपका समय खराब है, आप अच्छा व्यक्ति है, बीमार हो रहा है, परमेश्वर उसमें दया करेगा, लेकिन आप जानबूझ के बीमार हो रहा है, परमेश्वर कैसे दया करेगा, ये आप खुद कूदा है गड्ढे में। हम आप लोगों को एक बात बताएगा, परमेश्वर का वचन हम ज़्यादा प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा पहले हम बैठे बैठे मेरा वाइफ हम दोनों बात कर रहा था वहाँ पे, मेरा वाइफ और हम लोग दोनों बात कर रहा था, इसको खोल दो तुम, मालूम है नरक जो है ना कभी पहले से नहीं बना है। हेलो, थोड़ा ध्यान से सुनिए, नरक जो है ना कभी भी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सृष्टि नहीं की, या फिर पाप है ना, मनुष्य बोलता है कि पाप करेगा परमेश्वर सजा देगा, और परमेश्वर का सजा जो क्या है बोला नरक है, ये गलत है।
पाप पहले से कभी नहीं था, पाप को लिया गया है, नरक कभी पहले से नहीं था, और परमेश्वर सजा देता है। बोला परमेश्वर कभी सजा नहीं देता है, वो ऑटोमेटिक है। आप जैसे खाना खाता है पेट भर जाता है, खाना नहीं खाता है तो भूख लगता है, वैसे आप पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, पाप नहीं करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। पाप का परिभाषा क्या है वो सीखना है, जानना है, बेहतरीन और बारीकी से हम लोगों को समझना है, जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम ये बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर कभी मनुष्य को मारना नहीं चाहता है, सजा देना नहीं चाहता है, ये मनुष्य खुद है। अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु को, सही रास्ता में चलेंगे तो आपको बीमार नहीं आएगा, उसी तरह आप नरक भी नहीं जाएंगे। अगर आप करते हैं तो आप नरक जाएंगे, आग में चलेगा। हम ये बोल के आप लोगों को डराने नहीं, हम ये नरक का कभी प्रचार करता भी नहीं और करेगा भी नहीं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर महान परमेश्वर, वो हमेशा हम लोगों को बचाना ही चाहता है। क्या किससे बचाना चाहता है हमको बोलिए तो, परमेश्वर। परमेश्वर हम लोगों को किससे बचाना चाहता है? नॉलेज है आप लोगों को, ज्ञान है, बताइए तो किससे बचाना चाहता है? परमेश्वर हम लोगों को किससे बचाना चाहता है तरफ बताइए तो। परमेश्वर हम लोगों को पाप से बचाना चाहता है, और पाप कहां में है? हमारा अंदर है, हमारा सोच में। इसका मतलब परमेश्वर आपसे आपको बचाना चाहता है, आप खुद है जो अपने आप को गलत रास्ते में लेके जाते। हम लोग हमेशा बोलते हैं संगति खराब है, हाँ कभी कभी संगति का असर पड़ता है। अगर आपको मालूम है कि इस संगति में जाएगा तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा, तो आपको संगति में रहने की जरूरत ही क्या है, लीव इट, छोड़ दीजिए। आमीन। आपको मालूम है कि आप जिस संगति में पढ़ करके आपका आपका भाषा खराब हो रहा है, आपका सोच खराब हो रहा है, आपको रह के वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जान जाना चाहिए कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आप अपने आप को गड्ढे में लेके जाएंगे, आप अपने आप को फूल के बगीचे में लेके जाएंगे, ये आप तय कीजिए ना, ये आप जानते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो समझने के लिए कोशिश कीजिए ना, परमेश्वर हमको हमसे बचाना चाहता है। इनफैक्ट परमेश्वर ने हमको सेल्फ कंट्रोल दिया है, नॉलेज दिया है, विजडम दिया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कभी दिन मम्मी हम दोनों आके प्रचार करेगा, लेकिन हम आपको समझ में बता देगा। क्रिश्चियंस लोग अच्छा शादी मैरिज लाइफ अच्छा से बीतने के लिए ना, सुंदर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं। शादी बेहतरीन होने के लिए, पति को अंडरस्टैंड करने के लिए, पति को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्यार मोहब्बत होने के लिए, उम्र भर तक एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। प्रार्थना करके आपका शादीशुदा जीवन कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे और ऐसे तो संसार में ऐसा भी औरत पति पत्नी है जो लोग कभी प्रार्थना नहीं करके भी बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। आमीन। क्रिश्चियंस लोग बिजनेस करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा बहुत नॉन क्रिश्चियंस लोग हैं जो लोग अमीर है, बिजनेस सक्सेसफुल कर रहे हैं, क्या करके प्रार्थना नहीं कर रहे? अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से ही डाला हुआ बहुत ऐसा चीज है जिससे हम लोग अपना शादी को, अपना बिजनेस को सुंदर बना सकते कि नहीं सकते? लेकिन क्रिश्चियंस लोग ज्ञान बुद्धि प्राप्त करने के बावजूद भी अपना शादी को सुंदर नहीं बनाता है, वो उनका चॉइस है। अब हम जाके तुम लोग प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा तुम्हारा शादी शुदा, नहीं। अंडरस्टैंडिंग करने से, सेल्फ कंट्रोल होने से, है ना, समझने से, एक दूसरे को प्यार करने से शादी सुंदर होती है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज बच्चन नहीं जानने वाला पति पत्नी को बुला के लाइए, और बच्चन जानने वाला 10 पति पत्नी को बुला के लाइए। देखिए बच्चन नहीं जानने वाला का शादी इतना सुंदर हो रहा है, बच्चन जानने वाला लोगों का शादी सुंदर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ से बोला जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो अच्छा लग रहा है वही कर रहा है। आमीन, आमीन।
है कि नहीं बोले तो? हालेलुया। सो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा। वो झगड़ा क्या परमेश्वर ने दिया? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकता ना। लाइट आ गया। ओके, ध्यान से सुनिए। अभी थोड़ा डाउन कर दीजिए क्योंकि साउंड आएगा शायद माइक में ना। ओके, तो लिसन लिसन एंड लिसन वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू सो मच। हो जाएगा, सुनिए। मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है ना? हम लोग चाकू पकड़ते हैं, वो चाकू जो है वो चाकू से हम लोग सब्जी काटते हैं, मालूम? वही चाकू से आदमी लोग मर्डर करते हैं। अब ये चाकू का कसूर है ना सोच का कसूर है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो चाकू अच्छा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, वो चाकू खराब के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। उसी तरह परमेश्वर ने अंधकार को भी बनाया, उजाले को भी बनाया। उसी तरह परमेश्वर ने पाप को भी बनाया, इसको समझने के लिए बनाया ताकि आप ओ यहां नहीं जाएं। हम लोग बच्चा लोगों को क्या बोलता है? ए चाकू मत चलाओ, बोलता कि नहीं? क्यों? क्योंकि चाकू से वो लोग नहीं चलाने जानता है तो क्या होता है, हाथ कट जाएगा या खून निकल आएगा। आग जलाता है तो आग के साथ मत खेलो, बच्चा लोग को बोलता था, है ना? क्यों? क्योंकि उनको आग के बारे में क्या नहीं है, नॉलेज नहीं। लोगों को पाप के बारे में क्या नहीं है, नॉलेज नहीं। अगर नॉलेज होगा तो चाकू और आग और पाप में फर्क क्या है? ओ वहां जाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप उसको जानेंगे, उसके बारे में अगर आप नॉलेज रखेगा तो आप नहीं जाएंगे उधर, जाएगा? पाप जो है ना करने के लिए नहीं है, पाप को समझ के ओ अंधेरा इधर है मतलब नहीं जाना है, ठोकर लगेगा। तो कहां जाना है? उजाले तरफ जाना है। पाप को परमेश्वर ने इसीलिए पैदा होने दिया, पाप को परमेश्वर ने इसीलिए होने दिया ताकि मनुष्य क्या करे, जान के सही चॉइस करे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अरे यहां जाने से क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएगा है? अभी लोग जुआ खेलता है जहां पे, या लोग नशा करता है जहां पे, हम वहां में जाना पाप है? वहां जाकर के इन लोग सब गलत रास्ते में जा रहे हैं, नहीं 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 हमको वहां नहीं जाना है, उनके जैसा नहीं करना है। तो उस अच्छाई को कैसे समझे हम लोग, अच्छा को कैसे जानेगा, अच्छा को हम लोग कैसे लेगा जब बुराई को हम लोग जानेगा? आमेन, आमेन। So, पाप को जानना है, पाप बर्बादी की तरफ लेके जाता है। और वो पाप जो है कहां है? हमारे अंदर, हमारे सोच में। मनुष्य को पाप से परमेश्वर अलग करने के लिए आए। क्या से अलग करने है? और वो पाप का ठिकाना कहां है, कहां पे? हमारे सोच में। जहां पे बेविचार हो रहा है वहां पे जाता है ना पाप। पाप तो यहां है, तो जहां बेविचार हो रहा है वहां में पाप है। पाप को कौन कैरी करके चल रहे? पाप को हम लोग कैरी करके चल रहे हैं। और हम लोग कौन है? पापी लोग। आमेन। एक बेविचार करने वाला आदमी पाप है ना, उसका माइंड में कर रहा है, बेविचार कर रहा है या खराब काम कर रहा है, वो पापी है ना, वो पाप में है अभी। बेविचार सबसे पहले कहां आता है? माइंड में आता है। चोर पहले कहां आता है? माइंड में आता है। झूठ बोलेगा सबसे पहले कहां आता है? माइंड में। वहां में पापी लोग है, मत बोलिए।
वहां में पाप है मत बोलिए। पाप का सही एड्रेस हमारा माइंड है, हमारा सोच, हमारा विचार है, हमारा धारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप का सही ठिकाना कहा है? हमारे सोच में। मैं कहां रहता, आप कहां रहते हैं, पास्टर दीमान कहां रहता है, बालीपाड़ा में, शोभा बहन कहां रहता है, कालापाड़ में। पाप कहां रहता है? हमारे माइंड में। लोग ढूंढ के घूम रहे पाप को जाके खत्म करेगा। यीशु ने पाप को खत्म करने आया बोला कि नहीं बोला? पाप खत्म कर दिया ना, कहां कहां था ये पाप जो? हमको कैसे अलग कर दिया बोला? पाप से अलग कर दिया बोला। पाप कहां रहता था? हम में रहता था। हमको क्या किया प्रभु ने? आजाद कर दिया। हमको क्या कर दिया? धो दिया। हमको क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया बोला। इसका मतलब जान जाना चाहिए कि पाप कहां रहता था? हमारे साथ रहता था। पापी व्यक्ति कौन है? जो लोग पाप सोचे। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हम आप लोगों को समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि ये आपके पास सेल्फ कंट्रोल है। आप बुरा सोचेंगे नहीं सोचेंगे ये आपके ऊपर है। आप बुरा करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर है। आप चर्च जाना है नहीं जाना ये आपके ऊपर है। आप प्रार्थना करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर है। आलसी को, आलसी, सुस्ती, मोबाइल देखना, टाइम पास करना, घंटा घंटा उसमें समय बिताना और प्रभु के साथ समय नहीं बिताना, मनुष्य क्या चॉइस करते जा रहा है? पाप को चॉइस करते जा रहा है। क्या है पाप? पाप क्या है? पाप क्या है? मोबाइल देखना पाप है? मोबाइल को इतना देखता है कि आप प्रार्थना छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ के आप प्रभु का जगह में दूसरों को समय दे रहा है, वो पाप है। मोबाइल देखना पाप नहीं है। आमेन, हालेलुया, है कि नहीं? सो परमेश्वर हमको इससे अलग करने आया, परमेश्वर के साथ जोड़ने आया, लेकिन अभी तक क्रिश्चियंस लोग परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इस कारण से प्रभु को एक्सपीरियंस नहीं करते। प्रभु को एक्सपीरियंस नहीं करता है तो जनरेशन लोग और खत्म होते जाता है और रोस्ट होते जाता है, मैंने खराब होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, प्रभु का काम नहीं देखता। हमको मेरा बेटा मोजिस का एक बात बहुत अच्छा लगा। पापा मम्मी को बोला, मम्मी मेरे दोस्त को वो सामान दे दो। और उसके बाद सामान देने के बाद में उसको विश्वास के बारे में जरूर सिखाना। मेरा बेटा को मालूम है कि मेरा माँ और पिताजी विश्वास में चलते हैं। उसको ये भी मालूम है कि हम किसी को कुछ देने से पहले उसको विश्वास के बारे में सिखाओ ताकि फिर लेने नहीं आए, वापस वो विश्वास में जिंदगी जिए। मेरा बेटा को भी मालूम है, He knows, उसने बोला है। आमेन, हालेलुया। तो आपका और मेरा बच्चा जो कभी भी बैकस्लाइड नहीं होगा, प्रभु में स्ट्रांग होगा, वो कौन तय करेगा? बच्चा तय करेगा। दिमाग स्ट्रांग रहो, जितना भी बोलो हम स्ट्रांग रहो, अगर वो हमको स्ट्रांग नहीं देखेगा तो वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि दिमाग स्ट्रांग क्यों, कुमार दिमाग स्ट्रांग नहीं बन पाएगा जब तक उसका गुरु स्ट्रांग नहीं देखेगा, और कुमार का बच्चा तब तक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक कुमार स्ट्रांग नहीं होगा। आमेन। हम लोग हमेशा दूसरों को बोलते हैं प्रार्थना करो, लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते। यही है, यही सब साइन है ना, हमको क्या करता है, हमारा जनरेशन को, आने वाला जनरेशन को ना नीचे लेकर के जाता है। कल हम एक मीटिंग में गया था, वहां पे बोला कि नेक्स्ट जनरेशन को ना उठाने का काम करेंगे। कैसे? जाके हाथ पकड़ के उठा देंगे उनको, अगर परमेश्वर नहीं देगा उनको, अगर हम लोग परमेश्वर कैसे, परमेश्वर में कैसे जीना है सिखा के नहीं, दिखा के नहीं देगा, नहीं सकेगा। आज पास्टर दीमान मेरा बेटा, आत्मिक बेटा, और जो भी यहां से निकल के गया है अभी तक मिशनरी, उन लोग ने हमको देखा है कि हम जिया है, कॉन्फिडेंट हुआ, क्योंकि सुना तो उन लोग कितना सालों से था ना, था कि नहीं था? अरे डैड जी रहे, मेरा बाप
आत्मिक पिताजी जी रहे, हम भी जी सकेगा, ट्राई किया, जिया, देखा, अरे अब उसका बच्चा लोग भी सीखेगा, उसका आत्मिक बच्चा लोग भी सीखेगा उसको देख करके। सो क्रिश्चियनिटी सिखाना सिर्फ नहीं है, दिखाना भी है। आमेन। हम पहले जूडो ताइक्वांडो सीखने के लिए जाता था, तो वहां पे काटा सिखाया जाता है, कुछ बेसिक एक्सरसाइज लोग होते हैं। हम सोचते थे अरे डायरेक्ट सिखा दीजिए ना, वो मारपीट में कैसे रुकाना है, डायरेक्ट वही सिखा दो, ये बेसिक क्या जरूरी है। बाद में पता चला कि बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी सीखो, हमने जब तक मेरा गुरु को फाइट करने वाला नहीं देखा तब तक मेरा अंदर हिम्मत नहीं आया। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो सिखाने का मतलब दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है। आमेन। एक कंपनी वाला गाड़ी बनाता है, गाड़ी को सिर्फ फोटो में दिखा के बिक्री करता है क्या? नहीं, चला के डेमोन्स्ट्रेशन करके, पहाड़ों में, नदियों में चला के, बारिश में चला के, देखो बारिश नहीं गिरता है, दिखाता है उसको, तब आदमी विश्वास करता है, तब चलता है। यीशु मसीह ने क्या किया? टीचिंग्स सिखाया, प्रचार किया, सिखाया, दिखाया, तब उसका चेला लोग विश्वास किया, किया कि नहीं किया? आमेन। अगर यीशु मसीह ने सिर्फ सिखा के किया था उन्हें से, टीचिंग्स का परिभाषा क्या है पता है? डेफिनेशन क्या है पता है? दिखाना भी है। When you teach somebody, सिखाओ, मना नहीं है, लेकिन जो सिखा रहा है करके दिखाओ भी। हालेलुया। So, हमने बहुत ऐसा आदमी लोग को देखा है, बड़े बड़े डींगे मारते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते, जी के नहीं दिखाते। आज मेरा चेला लोग, मेरा चेला मतलब प्रभु यीशु मसीह का चेला है, बहुत लोग फिर ये पास्टर अपना चेला बोलते हैं, अगेंस्ट करने वाला आदमी लोगों का भी ये पृथ्वी में कमी नहीं है। मैंने कहीं से भी एक तो भाषा को टीप के शुरू हो जाता है, मैंने बदनाम करने के लिए। आदमी का ये भी टैलेंट है, मैंने खराब नहीं पाता, हम मैं किसी को खराब नहीं पाता हूँ, एक समय था सबको खराब पाता था, लेकिन वो भी एक शिक्षा का, मेरा एक शिक्षा का क्या था, दौरान था, है ना। अभी हम इतना सीख गया कि अच्छा होता है, खराब होता है, अच्छा करने वाला आदमी आता है, खराब करने वाला आता है, सब परमेश्वर सिखाता है। उससे क्या होता है? हम बनता है ना, हम बनता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब भी हम सिखाता है करके दिखाना है। हमारा डिसाइपल्स लोग, यीशु का डिसाइपल्स जो मेरे हाथों में जो प्रभु ने सौंपा है, उन लोगों को हम दिखाता है विश्वास में जीने के लिए, जी के दिखाया भी है ना, और हम प्रैक्टिकली करने देता है, तब उन लोग सीखता है, तब उन लोग प्रभु को एक्सपीरियंस करता है, तो उन लोग अपने बच्चों को प्रेशर देता है, देखो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, बच्चों को सुनाता है, तो बच्चा लोग भी स्ट्रांग होता है। आमेन, आमेन। मालूम है आज मेरा घर में मेरा बच्चा लोग अगर बाई चांस मतलब सर्दी खांसी बुखार और ऐसा मॉम्स निकल के बैठा है, वही पहला प्रथम हम लोग कभी भी डॉक्टर दवाई रेफरेंस नहीं करता है, उन लोगों को हम लोग कन्फेस करने सिखाते हैं, प्रार्थना करने सिखाते हैं, विश्वास करने सिखाते हैं। आज दो दिन जैसा हो गया मेरा बच्चा लोग बुखार में है, लेकिन उन लोगों को हमने अभी तक यही बोलने लगाया कि पर कुछ नहीं होगा, अभी ये बुखार से जब ठीक हो जाएगा, उन लोग बड़ा होगा, अरे मेरा पापा बोलता था कि प्रभु में विश्वास करना है, कुछ नहीं होगा, तो उन लोग विश्वास करने सीख जाएगा। सबसे पहले दौड़ मार के जाकर के डर लग के दवाई ला देगा, तो उन लोग बच्चा लोग क्या करेगा मालूम है? बीमार होते ही उन लोग प्रभु के पास नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेके आएगा। सो आप अपने कैसे लो, हम बहुत पेरेंटिंग क्लास, मैरिज क्लास करके देखा है, हवा हवा, असली पेरेंटिंग कैसे करना है, असली मैरिज को कैसे निभाना है ना, 20 साल का तजुर्बा मेरे पास भी है, और मैं एक जंगल से निकल के आया हुआ आदमी, अशिक्षित आदमी, सीखा हूं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। आमेन। मैं हर बात में
मेरे बेटा के साथ कुछ घटना घटता है या उसके साथ हम बातें करता है तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अभी हमने जो भी फाउंडेशन डालेगा ना, वो फाउंडेशन जो है जिंदगी भर बन के रहेगा। अभी अगर हम मेरे बच्चा को दुख देगा तो उम्र भर सुख में रहेगा, अगर अभी सुख दे देगा तो उम्र भर दुख में रह जाएगा। इसलिए विश्वास सिखाना ना दुख का बात है। जब पास्टर तिमान, सोनिया और कई लोगों को हम पहले पहले मिला तो उन लोग विश्वास के बारे में जानता होगा लेकिन जी के नहीं देखा। हमने उन लोगों को सिर्फ सिखाया नहीं, हटाया, तोड़ा फोड़ा, प्रैक्टिकली भूखा प्यासा छोड़ दिया, जाओ करो, करने लग गया, सीख गया। और आप देखो, आज देखो उन लोग कितना सुंदर से काम कर रहे हैं। किसको भरोसा करके? परमेश्वर को भरोसा करके। अब आने वाला जेनरेशन को, दीमान, सोनिया, कुमार, आने वाला ये इन लोग आने वाला जेनरेशन को क्या सिखाएगा? ओ, मेरा गुरु ने ऐसा किया था, हम भी इसके साथ ऐसा करेंगे, चलो करो, सीखेगा। उन लोग भी क्या होगा? परमेश्वर को एक्सपीरियंस करेगा। आमेन, आमेन। सो आपका जीवन शैली, आपका लाइफ स्टाइल परमेश्वर में कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। बच्चा बीमार हो गया, कैसे आप बच्चा को साथ हैंडल करते हैं? पत्नी बीमार हो गया, पत्नी के साथ कैसे हैंडल करते हैं? घर में समस्या आ गया, अभी समस्या आ गया अचानक से, कैसे हैंडल करेगा? अभी हम खुद घर का फाउंडेशन होकर के, हम खुद प्रभु का एक दास होके हम हिल जाएगा तो बीवी बच्चा तो हिल गई, तो हम नहीं हिल के सबसे पहला अटेम्प्ट क्या करेगा, पहला क्या सिखाएगा उन लोगों को? हम खुद करके दिखाना पड़ेगा। मत घबराओ, परमेश्वर है, हम खुद पहले भाग करके निकल जाएगा। तो उन लोग तो क्या बोलेगा, ओ पापा ही डर गया तो हम लोग तो और ज्यादा डरना है, चलो। तो उन लोग डर को क्या कर लेगा, डबल से ले लेगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो आप घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने चर्च के साथ कैसे रहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं संडे को जो भी प्रचार करता हूँ, मंडे से लेके फिर सैटरडे तक अपने बिलीवर्स के साथ, अपने चेलों के साथ मैं रहता हूं, मैं उस समय में भी कभी भी नॉर्मल में भी हम परमेश्वर को नीचा नहीं दिखाता हूं। नॉर्मल टॉक्स में भी, नॉर्मल बातें करते समय में भी हम क्या, परमेश्वर में भरोसा करो, हमेशा हम उत्साहित करते रहते हैं। उत्साह करने वाला आदमी को ढूंढो, आपको परमेश्वर में थक्का मारने वाला आदमी को ढूंढो, और आप भी थक्का मारेगा ये आदमी हमको, उसके पास जाओ। आमेन। ऐसा चर्च में जाओ जो आपको आत्मा में धक्का मारता है, ऐसा चर्च में मत जाओ जहां पास्टर भी सोया हुआ है और आप भी सो, वो आराम है बहुत चर्च बोल के मत जाओ। आमेन, आमेन। आपको आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा, आप कौन सा गाड़ी में चढ़ेगा, आप कौन सा वाला कपड़ा पहनेगा, कौन सा वाला शॉपिंग मॉल में आप जाएगा, कौन सा वाला रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाएगा, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन सा चर्च में जाएगा, कौन सा पंडित के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, ये आपका अधिकार है, मत भूलिए मेरे प्रियो। आज प्रॉब्लम क्या है पता है, आपने अपना आप को क्लोज कर दिया है, अपना आप को ये बोल के खत्म कर दिया है, होगा ये नरक जाने से भी हम इसी के साथ जाएगा, लेकिन ये आदमी हमको खराब नहीं पाना है। खराब के चक्कर में आप नरक जाएंगे क्या? खराब पाने से पाओ, अच्छा पाने से पाते रहो। मुझे बचना है, मेरे परिवार को बचाना है, मेरे साथी भाई को बचाना है। आमेन, आमेन, है कि नहीं? बोले प्रेज द लॉर्ड। इतना सुंदर बाइबल क्लास हो रहा है, वचन सुनने के लिए आदमी होता है कम होता है, बोलो। आदमी आज ज्ञान के पीछे नहीं है, पान के पीछे है। है ना? किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए? दिन ब दिन गर्मी बढ़ रहा है, दिन ब दिन हालात बदल रहा है, दिन ब दिन आदमी आलसी हो रहा है। पहले कपड़ा धोता था, वॉशिंग मशीन आ गया, पहले झुक के पोछा मारता था, आजकल खड़ा होके पोछा मारता है। आदमी का बीमारी होने का सामग्री समाधान लोग पूरा निकल रहा है, सब कुछ इजी हो गया। पहले सुबह से लेके शाम तक काम करना पड़ता था, आजकल सुबह से लेके दो घंटा में काम खत्म, पूरा इजी मशीन हो गया। आमेन। पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, आजकल ठैक दबा देने से गैस जल जाता है।
इलेक्ट्रिक जल जाता है, खाना पक जाता है। उसका बाद पहले काम ज्यादा होता था, आराम कम होता था। आजकल आराम ज्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है, आदमी लोग सब बीमारी कर रहे हैं। एक गोरु ग्वाल के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? बोले बीमार हो जाएगा। आमेन। आमेन। अगर गोरु सुबह उठकर निकल के चरने जाता है ना, वो सिर्फ खाना ढूंढने नहीं जानता है, पूरा बदन को वो अपना सुरक्षित रखता है। लेकिन आजकल तो क्या हो गया, आसान होते गए। आदमी को क्या चाहिए ज्यादा? आराम आराम आराम। पहले काठ का चेयर होता था, आजकल सोफा एकदम चपक करके घुस जाता। आमेन। और फिर बोलता है, पहले का आदमी लोगों का खाना इतना अच्छा था ना, इसीलिए उन लोग बहुत लंबा लंबा जीता था। अभी का आदमी भी लंबा जिएगा अगर जीने का तरीका को बदलेगा तो। आमेन। पहले आदमी साइकिल चलाता था, पैदल चलता था, आजकल का आदमी लोग पैदल चलता नहीं। पहले हम सुना है कि पास्टर इवेंजेलिस्ट लोग पैदल चल चल के काम किया, आजकल का तो काम बोलने से पहले बाइक, छाता, एसी वाला गाड़ी सब चाहिए। मैंने वो भी देगा परमेश्वर, क्यों नहीं देगा? देगा परमेश्वर आपको आरामदायक जीवन देगा। कब? लेकिन आपका शुरू थोड़ा तकलीफ तो करो। पहले ही आपको आराम चाहिए बोलने से तो दुख हो जाएगा ना। आमेन। हम आप लोगों को एक बात, एक सच्ची बात बताएगा। जब हम बहुत दुख कर रहा था ना, इधर बहुत दुख कर रहा था, बंदों को भी खा रहा था, मुर्गी बॉयल करके खा रहा था, कुछ भी नहीं था, तो मेरा दोस्त लोग ना मैंने पा लग्जरीज था मैंने। आज हमारा पास सब कुछ है, हम आराम में हैं, और अभी मेरा दोस्त लोग क्या कर रहे हैं? दुख कर रहे हैं। तो फायदा क्या हो गया? आमेन। उम्र से पहले बूढ़ा हो जा रहा आदमी, क्यों? खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तकलीफ है। काम करके जो थकता है ना, वो आपका जिंदगी को क्या करता है मालूम है? तंदुरुस्त बनाता है। लेकिन यहां से जो थकता है ना, आदमी को क्या करता है मालूम है? कम उम्र बना देता है। इसलिए यहां से मत थकिए, खुशी से रहिए। ट्रू फ्रेंड चर्च में आके देखिए कैसे रहते हैं हम लोग हर कोई खुशी में, यहां बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा। एक दो टू मान लोग है, बूढ़ा बूढ़ी है, उन लोग को भी अभी पैंट उन पहना के घुमाने शुरू करेगा। ट्रू फ्रेंड चर्च में बूढ़ा बूढ़ी होना मना है। ट्रू फ्रेंड चर्च में जल्दी मरना मना है। आमेन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुशी रहना पड़ेगा। हालेलुया। मां बाप का आदर करना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन में चलना पड़ेगा। आमेन। मेरे साथ बोले तो, मां बाप का आदर करना है, सम्मान करना है, परमेश्वर का वचन को मानना है, प्रभु को आदर करना है, सम्मान करना है, खुश रहना है, हर बात में धन्यवादी होना है। आप जल्दी नहीं मरेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के पास में आने के लिए, प्रभु का राज्य में आने के लिए, लंबा उम्र में आने के लिए, खुशी का जीवन में आने के लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम आप लोगों को एक ये बात बता के फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। ओके, बोलिए तो क्या चीज है वो? वो भी ठीक 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 बोल रहा, मैंने सही बात कर रहा। गर्म लगने से पंखा चला देता है, ज्यादा गर्म लगने से एसी चला देता है, ज्यादा दूर चलने के लिए होने से हम लोग गाड़ी में चढ़ जाता है। आप तरीका है तो वैसे ही लंबा उम्र जीने के लिए। लंबा उम्र कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्या करने से? माँ बाप का आदर करने से, सम्मान करने से, प्रभु का बात मानने से। लेकिन उस जगह में आने के लिए, प्रभु के पास में आने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? एक्चुअली
चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19, प्रेरितों की किताब अध्याय 3 और आयत 19 को हम लोग पढ़ेंगे। हमको तो ऐसा लगता है कि यहां में इंटरनेट चलेगा और ये बैटरी चलेगा तो ना, मैंने एक ग्रुप आओ, बात सुनो, फिर जाओ, फिर आओ। हमको अगर बोलने के लिए मिलेगा ना, हम बोलते रहेगा हम यहां में, क्योंकि बाहर निकलने से कैंग कैंग कुंग कुंग कैंग कैंग सन दिखाई देता है। प्रभु का बात करते रहने से ना, यहीं बैठे बैठे हम जवान हो जाएगा। आमेन। इतना अच्छा लगता है हमको प्रभु का बात करने के लिए। पढ़ दीजिए। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। इंग्लिश में पढ़िए। Repent therefore and turn back. सब लोग बोले repent and turn back. क्या करना है? पश्चाताप करना है। सुंदर जीवन में आने के लिए उद्धार और मुक्ति, सिर्फ उद्धार जो क्या है मालूम है आपको? सिर्फ उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, खुशी जीवन जीने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए, सब कुछ सही होने के लिए आपको और हमको क्या करना पड़ेगा? रिपेंट करना पड़ेगा। टर्न बैक बोला है ना? क्या बोला है? हिंदी में फिर से एक बार पढ़िए, वो बाइबल वाला हिंदी को पढ़िए ना। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ। इधर देखिए, मन फिराना सिर्फ नहीं है, लौट आना है। पंखा को चलाना सिर्फ नहीं, इस तरफ घुराना भी है मन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो बोला? मन फिराओ। क्या फिराओ? क्या फिराओ बोला? इसका मतलब पाप से लौट आओ बोला तो ना, तुम्हारा पाप क्षमा किया जाएगा बोला तो ना। मन फिराओ बोला कि नहीं बोला? और क्या बोला? लौट आओ। बहुत आदमी लोग सोचता है कि हम आज से पाप नहीं करेगा। एक नॉन क्रिश्चियन आदमी भी पाप नहीं करता है कभी कभी, गलत नहीं सोचता है, लेकिन फायदा नहीं है जब तक आप यीशु के शरण में नहीं आते। आमेन। मन फिराओ और क्या करो बोला? लौट आओ। क्या फिराओ बोला? फेफड़ा फिराओ बोला? बदन फिराओ बोला? चून फिराओ बोला? कपड़ा फिराओ बोला? किडनी फिराओ बोला? क्या फिराओ बोला? इसका मतलब मन फिराओ, लौट आओ, तो तुम्हारा पाप क्षमा किया जाएगा। तो पाप कहां रहता है? मन में रहता है। इसीलिए आपको और हमको क्या फिराना है? मन फिराना है। आज बहुत क्रिश्चियंस लोग शुरुआत के दिनों में मन फिराया, प्रभु के पास आया, लेकिन अभी तक पाप से उन लोग जुदा नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है। आमेन। मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 17 को पढ़िए हिंदी में, अच्छा से, सुंदर से। मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 17 क्विकली। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमेन। फिर से एक बार। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य क्या है? आपका खुशी, अनंत जीवन, मेल मिलाप, पवित्र आत्मा, शक्ति, धनी, किस क्या है ये? परमेश्वर का राज्य। कहां लौट आना है हम लोगों को? थोड़ा पहले क्या बोला? कहां लौट आओ बोला था ना? कहां लौट आना है? परमेश्वर के राज्य में।
तो परमेश्वर के राज्य में एंट्री करने के लिए यहां में नाम लिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, परमेश्वर का राज्य में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। ये भी ऑफ कर दो लाइट पे। नहीं बोले तो आज धेरै क्रिश्चियन मान्छेहरूले चर्चमा आयो, परमेश्वरको राज्यमा हावामा एन्ट्री गरेको छ, उनीहरूको जीवनमा आशिष छैन। प्रभुको राज्यमा के हो? प्रभुको राज्य क्या है? तपाईँको खुसी, तपाईँको आनन्द, अनन्त जीवन, शान्ति, मेलमिलाप, पवित्र आत्मा, शक्ति, सुसमाचार। आमेन। सो यीशु ने क्या प्रचार किया? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट में, मीनिंग परमेश्वर का आनंद, शांति, खुशी, उद्धार, मुक्ति आपके सामने में। इसके लिए क्या करो? मन फिराओ। आज बहुत क्रिश्चियंस लोग चर्च में हैं, लेकिन उनका मन नहीं फिरा है। आमेन। जॉन नाम लिख देने से कभी भी वो मन फिराने का साइन नहीं है। मैथ्यू नाम रख दिया, जॉन नाम रख दिया, पत्रस नाम रख देने से वो क्रिश्चियन होगा? कोई जरूरी नहीं। प्रॉब्लम क्या है? कि आदमी लोगों ने अभी तक भी मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराना सिर्फ नहीं, लौट आओ बोला तो ना। हमको मन फिराने का मतलब क्या है? हमारा मन में पाप है, उस पाप से हम नहीं करेगा, इधर आओ, यहाँ परमेश्वर आपको धोएगा। तो धोने के बाद परमेश्वर के राज्य में जो है वो दोबारा पाप नहीं करेगा। मीनिंग क्या है? दोबारा गलत नहीं सोचेगा, चोर नहीं करेगा, डाकू नहीं करेगा, ठगबाज नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमने बहुत पहले एक बार एक बहुत पहले ने रिसेंटली एक बात बोला था हमने, है ना, धार्मिक जन, धार्मिक आदमी रोज नया पाप को एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन कमजोर आदमी एक ही पाप में डूब के रहेगा। आमेन। कमजोर व्यक्ति कौन है? जो एक ही प्रकार का पाप को हमेशा करते रहता है, मीनिंग वो नहीं निकल। लेकिन धार्मिक आदमी आगे बढ़ते जाएगा, नया नया पाप को एक्सपीरियंस, ओ ये गलती था, अच्छा, एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है धार्मिक जन सात बार गिरेगा, सात बार उठेगा, आगे बढ़ते जाएगा। कमजोर जो है एक ही पाप से दोबारा नहीं उठेगा। आज क्रिश्चियंस लोग प्रार्थना नहीं करते तो करता ही नहीं है, करता ही नहीं, करता ही नहीं। चर्च नहीं जाता है तो जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, जाता है, वहीं डूब के बैठ रहा है। अरे